एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रयास वर्कबुक क्लास 4 to 5 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31, 32, असेसमेंट नंबर 7, 33 वर्कशीट एंड 34 और 35 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 31 का सॉल्यूशन, वर्कशीट 31 का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ कॉम्पिटेंसी में दे रखा है द लर्नर कैन राइट सिंपल वर्ड्स गेम स्पोर्ट्स नेम। हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं गेम्स की, तो हमें क्या करना है, सिंपल राइट करना है उन गेम्स के नेम को। यहाँ फर्स्ट पिक्चर है जिसमें एक क्रिकेटर क्रिकेट से खेल रहा है, एक बॉलर गेंद पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन सा गेम है, ये गेम है क्रिकेट, ठीक है। सेकेंड है जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रही है और एक पंक्ति में गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो ये कौन सा गेम है, खो खो, ठीक है। नेक्स्ट गेम में एक दूसरे को पकड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये गेम कौन सा होता है, ये गेम है कबड्डी का। नेक्स्ट गेम है जिसमें हाथों से बॉल को नेट के ऊपर भेजा जा रहा है, तो कौन सा गेम होता है ऐसा, वॉलीबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें हमें एक चेस दिख रहा है, दो प्लेयर्स इसे खेल रहे हैं, तो ये कौन सा गेम है, चेस, ठीक है। तो इस तरह से था वर्कशीट 31 का सॉल्यूशन जिसमें हमने गेम्स के बारे में देखा। अब देखेंगे असेसमेंट नंबर 7 का सॉल्यूशन। इससे पहले कि अगर आपने वर्कशीट सॉल्व कर रखी है तो ये जो असेसमेंट है बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले की और पहले की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन नहीं करे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं असेसमेंट नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है नेम दी फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पिक्चर्स दे रखी हैं जिनमें हमें बताना है कि ये ऑक्यूपेशन किस चीज़ का है या किस चीज़ की पिक्चर है ये। फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है, एक साइंटिस्ट, तो यहाँ लिख देंगे साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। सेकंड है एक पोस्टमैन की पिक्चर, तो यहाँ लिख देंगे पोस्टमैन। थर्ड है एक क्रिकेटर की पिक्चर, तो यहाँ लिख देंगे क्रिकेटर। फोर्थ है एक डॉल की पिक्चर, तो यहाँ लिख देंगे डॉल यानी गुड़िया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है राइट प्लूरल, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनके क्या करने हैं, प्लूरल वर्ड्स लिखने हैं। की का हो जाएगा कीज, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब वाई को हम जो वर्ड होता है जिसमें वाई होता है लास्ट में, तो हम जब वाई को हटाते हैं तो आई ई एस से जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेयर, तो यहाँ हो जाएगा चेयर्स। ब्रांड ब्रांड्स, बुश बुशेस। लीफ लीव्स, यहाँ एफ है, एफ को हटा करके ई एस लग जाएगा। पटेटो पटेटोज, यहाँ ओ है, ओ के साथ में ही ई एस लगेगा, ठीक है, यहाँ कुछ भी हटेगा नहीं, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पटेटोज, ठीक है। और लास्ट है बॉक्स, एक्स है, तो यहाँ भी ई एस लगेगा, बी ओ एक्स बॉक्स, बॉक्सेज इसका प्लूरल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ स्पेलिंग्स दी गई हैं हमें चार ऑप्शंस में, हमें एक जो करेक्ट स्पेलिंग है उस पर मार्क करना है, सही का निशान लगाना है। तो यहाँ स्पेलिंग दी गई है रैबिट की, तो कौन सी स्पेलिंग सही है रैबिट की, रैबिट की होती है स्पेलिंग आर ए डबल बी आई टी, रैबिट यानी खरगोश। फर्स्ट जो स्पेलिंग है ए ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ हम मार्क कर देंगे। सेकंड में है हमें चेयर दे रखा है, चेयर की स्पेलिंग होती है सी एच ए आई आर, चेयर यानी कुर्सी, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन को टिक कर देंगे, मार्क कर देंगे। थर्ड है डॉटर, यहाँ डॉटर लिखा गया है, डॉटर की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, डी ए यू जी एच टी ई आर, डॉटर यानी बेटी, तो यहाँ पुत्री, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट जो है स्पेलिंग ये करेक्ट है, तो इसे मार्क कर देंगे। और फोर्थ है टेबल, टेबल की स्पेलिंग होती है टी ए बी एल ई, टेबल यानी टेबल मेज, तो यहाँ थर्ड को क्लिक कर देंगे, थर्ड को मार्क कर देंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट एनी थ्री नेम्स ऑफ गेम्स स्पोर्ट, आपको कोई भी तीन गेम के नाम लिखने हैं या स्पोर्ट्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं वॉलीबॉल, क्रिकेट, यहाँ मैंने जैसे लिखा है क्रिकेट, हॉकी, खो खो, आप वॉलीबॉल लिख सकते हैं, चेस लिख सकते हैं, कबड्डी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ है विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपको अपने फेवरेट गेम का यहाँ नाम लिखना है, मैंने लिखा है क्रिकेट, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग ट्रीट्स पेशेंट, पेशेंट्स को कौन
ट्रीट करता है, पेशेंट्स का इलाज कौन करता है, तो यहाँ लिखेंगे डॉक्टर को सही मार्क करेंगे, ठीक है, तो यहाँ सही का मार्क कर देंगे डॉक्टर पे। तो इस तरह से था असेसमेंट नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 32 का सॉल्यूशन। यहाँ दे रखा है द लर्नर कैन राइट सेंटेंसेज यूजिंग प्रीपोजिशन। यहाँ हम सीखेंगे प्रीपोजिशन का यूज़ करना। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स ओवर इनटू इन आफ्टर अंडर। यहाँ हमें कुछ प्रीपोजिशन दिए गए हैं बॉक्स में, हमें नीचे दिए गए सेंटेंस में उचित प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस है द बॉयज आर ब्लैंक द क्लास। अब बॉयज किस में है, क्लास में है, तो में है मतलब अंदर है, क्लास के अंदर है, तो क्या यूज़ करेंगे इन प्रीपोजिशन का, तो यहाँ लिख देंगे द बॉयज आर इन द क्लास। सेकेंड है द हॉर्स इज जम्पिंग ब्लैंक द वॉल। हॉर्स ने जंप किया, जंप कर रहा है वॉल के ऊपर से। अब वॉल के ऊपर सटा हुआ नहीं है, वो वॉल के ऊपर से जाएगा, तो यहाँ क्या प्रीपोजिशन आएगा, ओवर, ठीक है। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर लटकी हुई है या किसी चीज़ के ऊपर से जा रही है, तो हम हमेशा प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं ओवर। तो यहाँ हो जाएगा द हॉर्स इज़ जंपिंग ओवर द वॉल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे बेड के ऊपर झूमर लटका हुआ है तो क्या लिखेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे, ओवर द झूमर, ठीक है। थर्ड है द डॉग इज़ रनिंग ब्लैंक द कैट। डॉग भाग रहा है कैट के पीछे, ठीक है, कैट पीछे नहीं होगी, कैट नहीं खाती है डॉग को, डॉग खाता है कैट को, तो यहाँ लिखेंगे द डॉग इज़ रनिंग आफ्टर द कैट। कैट के पीछे या कैट के बाद दौड़ रहा है, तो बाद या पीछे के लिए हमेशा प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं आफ्टर का। फोर्थ है राधा इज़ पुटिंग हर बुक्स ब्लैंक हर बैग। अब राधा कहाँ से बुक रख रही है, बाहर से अंदर की ओर क्रिया हो रही है, यहाँ बाहर से जो बुक्स हैं वो अपने बैग में रख रही है, तो यहाँ यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन का इनटू का। राधा इज़ पुटिंग हर बैग्स बुक्स इनटू हर बैग, ठीक है। किसी ने जंप किया कुएं में, ठीक है, तो बाहर से जब अंदर जाएगा कोई, तो हाँ इनटू का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस है द डॉग इज़ सिटिंग ब्लैंक द कार। डॉग कहाँ बैठा है, कार के नीचे, ठीक है, तो यहाँ कार के नीचे के लिए यूज़ करेंगे अंडर। कोई भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, यानी कि जैसे पेड़ की छाया में कोई बैठा है या पेड़ के नीचे बैठा है, तो हम हमेशा अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी कार के नीचे बैठेगा डॉग, तो क्या यूज़ करेंगे, अंडर। अब यहाँ टेबल होता, टेबल के अंदर होता, ठीक है, तो हमेशा अंडर का प्रयोग करना है, हम किसी चीज़ के नीचे, कोई भी चीज़, कोई भी जो व्यक्ति या कोई एनिमल किसी चीज़ के नीचे बैठा है, तो हमेशा प्रीपोजिशन का यूज़ करना है अंडर का। द डॉग इज़ सिटिंग अंडर द कार। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ हमें सूटेबल प्रीपोजिशन को फिल करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है द कैट जंप ब्लैंक द रिवर। अब यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाहर से अंदर की क्रिया हो रही है, तो क्या आएगा, इनटू, द कैट जंप इनटू द रिवर। सेकंड है मीना इज सिटिंग ब्लैंक अंडर ऑन द बेड, ठीक है, तो यहाँ अंडर या ऑन में से लिखना है, तो किस पर बैठी है, बेड के ऊपर बैठी है, तो यहाँ हो जाएगा मीना इज सिटिंग ऑन द बेड। थर्ड है शी इज स्लीपिंग ब्लैंक अंडर और इन अ ट्री। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कोई भी ट्री के नीचे सो रहा है या ट्री की छाया में सो रहा है, तो हमेशा अंडर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा शी इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, वह पेड़ के नीचे सो रही है। फोर्थ है बीना इज स्टैंडिंग ब्लैंक ऑन एट द बस स्टॉप। अब किस पर खड़ी है, बस स्टॉप पर खड़ी है, ठीक है, बस स्टॉप के ऊपर तो खड़ी नहीं होगी, तो ऑन का प्रयोग तो नहीं होगा यहाँ पर, बस स्टॉप पर खड़ी है, तो यहाँ होगा एट का प्रयोग, बीना इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। अब यहाँ बस स्टॉप की जगह एट होम होता या एट गेट होता, गेट होता तो भी एट का प्रयोग करते, मतलब किसी चीज किस सहारे खड़े, जैसे बस स्टॉप पर खड़ी है, शॉप पर खड़ी है, गेट पर खड़ी है, तो हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, ऑन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ है मंडे कम्स ब्लैंक आफ्टर बिफोर संडे। अब मंडे कब आता है, संडे के बाद आता है ना, तो बाद के लिए यूज़ करेंगे आफ्टर प्रीपोजिशन का, मंडे कम्स आफ्टर संडे, ठीक है, मंडे आता है संडे के बाद। तो इस तरह से था वर्कशीट 32 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 33 का सॉल्यूशन। यहाँ दे रखा है द लर्नर कैन राइट अपोजिट जेंडर्स। हमें कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे जिनके हमें अपोजिट जेंडर बताने हैं, ठीक है। ए है सर, सर का हो जाएगा मैम, बॉय गर्ल,
नेक्स्ट है फॉक्स। फॉक्स का जो फीमेल जेंडर होता है, अपोजिट जेंडर जो होता है, उसे बोला जाता है विक्सन। ठीक है, तो यहाँ फीमेल फॉक्स भी लिख सकते हैं, विक्सन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख दीजिएगा। डी है पिकॉक, जिसका फीमेल जेंडर होता है अपोजिट पी है। फादर मदर, ग्रूम ब्राइड, कॉक हैं, लॉयन लॉयनीस, टाइगर टाइग्रेस, एक्टर एक्ट्रेस। ठीक है, इस तरह से था अपोजिट जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैच दी अपोजिट जेंडर, हमें यहाँ मैच करनी है अपोजिट जेंडर को। किंग का होगा क्वीन, सन का डॉटर, मैन का वूमन, अंकल का आंट, हॉर्स का मेयर। हॉर्स यानी घोड़ा, मैन यानी घोड़ी। ठीक है, इस तरह से था इस वर्कशीट 33 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वर्कशीट देखेंगे 34, जिसमें है द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस, हमें सिंपल सेंटेंस राइट करना सीखना है। यहाँ मेक सेंटेंस बाय यूजिंग वर्ड गिवन इन दी बॉक्स, यहाँ बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इनके थ्रू एक सेंटेंस क्रिएट करने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रखा है पॉन्ड से क्रिएट किया है यहाँ सेंटेंस, दिस इज अ पॉन्ड। इसी तरह से हम आगे लिखेंगे दिस इज अ कार, दिस इज अ स्टोरी बुक, दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ जार, इसी तरह से लिखते जाएंगे, दिस इज अ की, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉक्स। इस तरह से था सिंपल वर्ड्स राइट करना बॉक्स से दिए गए वर्ड से। तो ये था वर्कशीट 34 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट वर्कशीट सॉल्यूशन होगा, जो कि है वर्कशीट 35। ठीक है, द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस, यहाँ भी हमें सिंपल सेंटेंस राइट करना सीखना है। राइट द नेम ऑफ योर मेंबर्स, योर फैमिली मेंबर्स, आपको यहाँ अपने फैमिली मेंबर के नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है माई ग्रैंड फादर्स नेम, आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है, मैंने लिखा है गगन। सेकेंड है माई ग्रैंड मदर नेम इज़, आपको अपनी दादी का नाम लिखना है, मैंने लिखा है रेनो। थर्ड है माई फादर्स नेम इज़, आपको अपने पापा का नाम लिखना है, यहाँ लिखा है जैसे मैंने पवन। माई मदर्स नेम इज़, यहाँ लिखा है जैसे सुमन, आपको अपनी मम्मा का नाम लिखना है। फिफ्थ है माई सिस्टर्स नेम, आपको अपनी बहन का नाम लिखना है, मैंने लिखा है पिंकी। माई ब्रदर्स नेम इज़, आपको अपने भाई का नाम लिखना है, जैसे राज। सेवन्थ है माई फादर्स नेफ्यू नेम इज़, मेरे पापा की जो नेफ्यू हैं, भतीजे हैं, उनका नाम लिखना है, तो यहाँ मैंने लिखा है सलमान। नेक्स्ट है माय अंकल नेम इज़, अंकल का जो नेम है, मेरे चाचा का जो नेम है, वो चाचा या मामा का। ठीक है, तो माय अंकल्स नेम में आपको अपने चाचा या मामा का नाम लिखना है। माय आंट्स नेम, आपको अपनी चाची का नाम लिखना है यहाँ, जैसे मैंने लिखा है सुनीता। माय कज़िन्स नेम, आपको अपने कज़िन्स के नेम लिखने हैं, कज़िन्स यानी आपके जो चाचा मामा के जो बच्चे होते हैं उन्हें कजिन्स कहा जाता है। तो ठीक है, यहाँ हमारे कजिन्स नेम लिखना है। ये पूरी दादाजी की फैमिली की बात हो रही है, तो यहाँ आपको अपने जो चाचा के बच्चे हैं या ताऊजी के बच्चे हैं उनके नेम लिखने हैं। माय कजिन्स नेम इज़, जैसे मैंने लिखा है बिट्टू। माय मदर्स सिस्टर इन लॉ, मेरी माँ की सिस्टर इन लॉ, मतलब सिस्टर इन लॉ जो होती है वो होती है ननद। ठीक है, मेरी मदर की सिस्टर इन लॉ, तो कौन हो जाएगी, अनीता। ठीक है, जो आपके पापा की बहन है वो आपकी मदर की सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे नेम सिस्टर इन लॉ का, जैसे मैंने लिखा है अनीता। माई फादर्स नाइसी नेम इज़, मेरे पापा की जो भतीजी है उसका नाम लिखना है आपको, आपके पापा की भतीजी का, जो कि है सीमा। ठीक है, इस तरह से आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने थे। तो ये था वर्कशीट 35 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हमने देखा वर्कशीट 35, वर्कशीट 34, वर्कशीट 33, वर्कशीट 32, असेसमेंट नंबर 7 और वर्कशीट 31 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम आगे भी और भी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।